बेगूसराय जिला पुलिस के द्वारा जो कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ और अवैध अग्निअस्त्रों की बरामदगी के संबंधित अभियान चल रहा है, उसी क्रम में 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। एक पप्पू पासवान जो फुलवरिया का रहने वाला है, जो विगत 10 वर्षों से फरार चल रहा था, उसकी हत्या और अन्य जघन्य अपराधों में वांछित था, उसको दिल्ली से स्पेशल टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका DIU की टीम, SP ऑपरेशंस और SDPO निगरानी कर रहा है। छापेमारी दल में कुछ थानाध्यक्ष भी थे, फुलवरिया थानाध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर पुलिस केंद्र बेगूसराय से गए थे। हमारी जो छापेमारी की विशेष टीम है वो थी। इन पर करीब 1.5 दर्जन केसेस हैं अभी तक, जो हमें पता चला है, जो विभिन्न रेल और ज़िला में कांड दर्ज हुए हैं। इनका अन्य आपराधिक इतिहास भी हम लोग और खंगाल रहे हैं, अन्य ज़िलों से भी, और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी प्राप्त किया जा रहा है, जिस पर आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है वो विगत कुछ दिनों पहले कोर्ट परिसर में एक अपराध की घटना को कारित करने के उद्देश्य से कुछ अपराधी आए थे और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें एक फिरार हो गया था, गुलशन कुमार, जिस पर भी करीब 1/2 दर्जन केसेस हैं पहले से। गुलशन कुमार की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से की गई है, जिसमें इधर और SP ऑपरेशंस इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और टाउन इंस्पेक्टर। साथ साथ इसमें भी अन्य कांडों की तरह DIU की टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुलशन से पूछताछ के क्रम में हमें 3 देसी कट्टा, 21 .357 बोर की जिंदा गोलियां और 3.303 बोर की गोलियां, जो प्रोहिबिटेड बोर है वो, और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इसमें जैसा कि मैंने कहा, 1/2 दर्जन के करीब जघन्य अपराध, हत्या और आर्म्स एक्ट के केसेस इनके विरुद्ध दर्ज हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट उपलब्धि रहा है, लाइए ले लो, ले लो।